नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रविकांत सिन्हा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री। आज हम बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाले वीडियोस आपको रेगुलरली मिल सकें और नए नए टॉपिक के बारे में हम जान सकें। चलिए बात शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता को यूं तो हम आर्यन सभ्यता भी कहते हैं, और यह नई सभ्यता जब उभरी जब ब्रॉन्ज एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ था, और ये नई सभ्यता ने जन्म लिया था जिसे हम आर्यन सभ्यता या वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। यह नई सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता के नाम से उस समय जानी गई। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स म्यूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई थी। आर्यों ने इस सभ्यता को बनाया था, तो ये सभ्यता आर्यों द्वारा दी गई थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 BC से 600 BC यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच इसकी शुरुआत हुई थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत के जस्ट बाद 1500 BC में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। उसके बाद यह नई सभ्यता आर्यंस का जो इन्वेंशन इंडिया में हुआ, आर्यंस जो है इंडिया में आए, और कहा जाता है आर्यंस जो है मध्य एशिया से आए थे। जब आर्यंस आए इंडिया में साइबर पास के थ्रू 2000 BC से 1500 BC के बीच में, वैसे तो आर्यंस का सोशल स्टेटस जो है काफी रूलर था, वहीं इंडस का जो हड़प्पा सभ्यता का जो सोशल स्टेटस था वो काफी अर्बन था। आर्यंस जो है इंडिया में धीरे धीरे सेटल्ड हो गए, और आर्यंस का डेली लाइफ जो है वो चार वेदों पे में उनका जिक्र काफी अच्छे से दिया गया है। ये हम भारतीय स्क्रिप्चर को काफी अच्छे से देख सकते हैं, वेदास, स्मृति, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, वेदास में वेदांग, उपवेद और फोर वेदास, स्मृति, दर्शन शास्त्र में पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशाही, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा, पुराण में भगवतम, राइटिंग्स ऑफ आचार्य जगत गुरु, राइटिंग ऑफ ऋषिक, भक्त संत, इतिहास में रामायण और महाभारत, इन सबका भी काफी अच्छे से जिक्र है। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड जिसे ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं, जो 1500 BC से 1000 BC के बीच हुआ था, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 BC से 600 BC तक चला था। बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की, जो शुरू हुआ था 1500 BC से 1000 BC के बीच में। इस पीरियड को हम बेसिकली एक रिलीजियस पीरियड भी मान सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड में आर्यंस के आने के बाद इंडिया में रिलीजियस मैटर ज़्यादा तवज्जो दिया जाने लगा। यहाँ पर लोग जो है रिलीजियस काफ़ी रिलीजियस थे, काफ़ी धार्मिक थे, पूजा पाठ में देवी देवताओं की पूजा में काफ़ी ज़्यादा यकीन करते थे, और उनके मुख्य देव जो है नेचर से संबंधित गॉड थे, यानी नेचर ऑफ गॉड ऑफ नेचर, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, मारुत, द्यायुस, वायु, सोम, प्रजान्य, उषा, विष्णु, और सबके अलग अलग इनके बिलीफ थे। इंद्र को माना जाता था युद्ध के नेता और वर्षा का देवता, इसे इंद्र सबसे सर्वोपरि था। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच सामंजस्य बिठाने का काम करते थे। वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता थे, विश्व के न्यायकर्ता थे, शासक थे, सत्य के प्रतीक थे, ऋतु परिवर्तन और दिन रात इन्हीं के हाथों में था। घौ जो है आकाश के देवता, सबसे प्राचीन देव माने जाते थे। सोम वनस्पति के देवता माने जाते थे। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता माने जाते थे। भूषण पशुओं के देवता माने जाते थे। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता माने जाते थे। मारुत आंधी तूफान के देवता माने जाते थे। आर्यों ने भाषा की शुरुआत भी उन्होंने संस्कृत से की थी, उनकी भाषा जो बेसिकली संस्कृत ही थी। आर्यंस जो है उनके ऑक्यूपेशन का कोई सहारा नहीं था, तो वो एग्रीकल्चर को ही अपना जो है ऑक्यूपेशन बनाया। उन्होंने जगह जगह भटक कर उपजाऊ जमीन खोजी और उसमें एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू किया। उन्हें ऐसा कोई कास्ट का भेदभाव नहीं था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वे भेदभाव करते थे काले और गोरे के रूप में। जो गोरे थे वे आर्यंस कहलाते थे, जो काले थे वो नॉन आर्यंस कहलाते थे। आर्यंस को जो है ऋग्वेद से काफी जो है इसमें उल्लेख है उनका, और ऋग्वेद में सप्त सिंधु का जो आर्यंस जहाँ से अपना जो है एक्सप्लोर किए थे उसमें सप्त सिंधु में काफी इसके बारे में बताया गया, यानी सात नदियों का इसमें जिक्र है। पांच नदियां जो है पंजाब में है, पंजाब की जो पांच नदियां है वो झेलम है, चेनाब है, रावी है, बीस है, सतलज है, और कुछ जो दो नदियां है वो है इंदस और सरस्वती। सरस्वती और ये सबको काफी ज्यादा ये माना जाता था, यहाँ के जो लोग हैं वैदिक पीपल के लोग काफी ज्यादा मानते थे नदियों को, नदियों से उनका जो है जीवन यापन चलता था, चाहे वो इरिगेशन के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, वे इन सभी को गॉड ऑफ नेचर मानते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्य थे उनकी पांच इकाई, पांच यूनिट्स थे, कुछ भागों में बांटा गया है। उनमें पांच कुल थे, वो थे ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। इसमें राजात्मक प्रणाली प्रचलित थी, यानी ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी बोला जाता था, विश का प्रधान को विश्वपति बोला जाता था, जन के शासक को राजन बोला जाता था। शासन का प्रमुख राजा होता था, और राजा अपनी प्रजा की बात, अपनी जनता की बात ही सुनकर फैसला लेता था, लेकिन जनता राजा को हटा सकती थी, यहाँ पर जनता का पूरा अधिकार था।
वह क्षेत्र विशेष का ना होकर जनता विशेष का था। राजा युद्ध का नेतृत्व करता था, उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था। जनता अपनी इच्छा से जो दे देती थी, राजा उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता था। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित और सेनानी और 12 रत्न करते थे। चाराग्रह के प्रधान को ब्रजपति और लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। 12 रत्न जो थे वो थे पुरोहित यानी राजा का प्रमुख, सेनानी यानी सेना का प्रमुख, ग्रामीण यानी ग्राम का सैनिक, पदाधिकारी महर्षि राजा राजा की पत्नी, सूत राजा का साथी, छत्री प्रहार, संग्रहित, कोषाध्यक्ष, भागदू, कर एकत्रित करने वाला, एकाधिकारी, लेखाधिकारी, ये सब जो है अलग अलग जो है बटे हुए थे। यहाँ पर सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। उग्र और अपराधी को पकड़ने का काम भी यहाँ पर होता था। विधवा में विदेश में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। जो जो समिति होती थी वहां पर स्त्री और पुरुष को बराबर का ही हक दिया जाता था। स्त्री भी नेतृत्व करती थी कई मामलों में पुरुष नेतृत्व करते थे। धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक कार्य में भी स्त्रियों को सम्मिलित किया जाता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। समिति राजा का चुनाव करती थी। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। बाल विवाह इस काल में प्रचलित नहीं था। महिलाएं भी इस कई सारे यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेती थी। विधवा अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। विधवा विवाह योग जो भी वर है वो अपने अनुसार चुन सकती थी, उन्हें चुनने का अधिकार था। महिलाओं को पढ़ाई के लिए यानी एजुकेशन को काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। आर्यों का मुख्य पेय था सोमरस, जो वनस्पति से बनाया गया था। आर्य 3 तरह के कपड़े पहनते थे, वास, अधिवास, उष्णी और निरी। संगीत में वे संगीत, रथ दौड़, घुड़सवारी उनके मनोरंजन के साधन थे। उनका मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड या देश निकाला की सजा होती थी। उनके प्रिय पशु थे घोड़ा और देवता थे प्रिय इंद्र। धातु था लोहा। व्यापार उनका दूर दूर तक होता था। ऋण देकर ब्याज देने वालों का को सुदखोर कहा जाता था। सरस्वती सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी आर्यंस की। अर्ली वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशन के बारे में बात करते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग वैदिक काल में कैसे उनका व्यवसाय चलता था। द प्राइमरी ऑक्यूपेशन वॉज बेसिकली एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है उनका प्राइमरी व्यवसाय था। साथ साथ उनका गेजिंग ऑफ शिप और कैटल, गाय चलाना, वो भी उनका एक व्यवसाय था। दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेनी आर्टिस्टिक वर्क। दूसरे कुछ क्राफ्ट्स में भी वो इन्वॉल्व थे, जैसे कारपेंटिंग का काम भी शुरुआत हो गया था, कैरियर मेकर यानी रथ वथ बनाना, सिलाई बुनाई का काम, लेदर वर्क, मिट्टी के बर्तन अलग अलग बनाने का, पॉटर का काम भी था। तो ये सारे आर्टिस्टिक वर्क भी उन्होंने शुरू कर दिए थे। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली टुक डिफरेंट आर्ट्स क्राफ्ट ट्रेड्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड दे कंटिन्यू देयर ऑक्यूपेशन। यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि उस फैमिली का जो है एक मेंबर अगर कोई एक कार्य को कर रहा है तो सारे फैमिली मेंबर वही कार्य को करें। सब अपने मर्जी के अनुसार कार्य को चुन सकते थे। सबको अपने अपने प्रतिभा के अनुसार कार्य चुनने का अधिकार था। ऋग्वेदिक पीपल जो है वे अपने अपने आप को आर्यंस कहते थे, बिकॉज वे सप्त संधु के नाम से भी जाने जाते थे। सप्त संधु 7 नदियों के बारे में जो मैंने बताया था, इंदस, झेलम, चनाब, रावी, भी सतलज, गोमती, खुर्रम, ये सारी नदियां के नाम हैं। अब बात करते हैं उनके सोशल सिस्टम की। उनका सोशल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता था, जैसा हम देख रहे हैं स्लाइड में, इस वीडियो में, कि सोशल सिस्टम उनका शुरू होता था सबसे नीचे तबके के जो लोग रहते थे उससे, सुदरास कहते थे। सुदरास मतलब दे आर द बेसिकली द लोअर कास्ट पीपल। बेसिकली यहाँ पर कास्ट का भेदभाव नहीं था, लेकिन फिर भी सुदरास को सबसे निम्न माना जाता था, लेबर क्लास के पीपल माना जाता था या सर्वेंट माना जाता था। फिर उससे थोड़ा ऊपर आए तो वैश्य, वैश्य लोग थे जो मर्चेंट या प्रोफेशनल थे, जो व्यापारी थे, व्यापारी लोग जो उनको माना जाता वैश्य। फिर उसके थोड़ा ऊपर आए तो क्षत्रिय उनसे और ऊपर थे। क्षत्रिय जो थे वो वॉरियर थे, सोल्जर्स थे, जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते थे। और सबसे ऊपर में सबसे सर्वप्रिय जो सर्वप्रिय जो स्थान था वो था पुरोहित का यानी ब्राह्मण्स का। ब्राह्मण्स को सबसे हाईएस्ट जो है दर्जा दिया गया था सोशल सिस्टम में, इन दस वैदिक पीरियड में। सोशल सिस्टम में जो है 4 वर्ण के बारे में डिस्कस हुआ है। साथ साथ इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय को जो है रूलिंग क्लास माना गया है, क्योंकि ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय जो है बाकी लोगों पर जो है अपना हुकूमत करते थे, रूल करते थे। यहाँ पर फैमिली थी। फैमिली को रिगार्डेड एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल यूनिट माना गया है। फादर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली ही वॉज नोन एज गृहपति। जो हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोला जाता था पिता को, गृहपति। द आर्यंस हैड जॉइंट फैमिली। आर्यन जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं। वुमेन्स को भी अलग दर्जा मिला था। वुमेन्स इन अर्ली वैदिक पीरियड वुमेन्स एंजॉयड अ ग्रेट ऑनर, अ ग्रेट प्लेस इन द सोसाइटी। पर्दा सिस्टम और सती सिस्टम जो है इस समय कुछ ऐसा नहीं था। गर्ल्स एजुकेशन को जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था।
गर्ल्स जो है अपना एजुकेशन अटेंड कर सकती थी या शादी के बाद भी अपना एजुकेशन को आगे बढ़ा सकती थी, तो ऐसा कोई रोक टोक नहीं था। यह जिक्र हमें उन गर्ल्स के बारे में मिलता है जो बाद में जाके ऋषि कहलाई और उन्होंने कई मंत्रों का जो है निर्माण किया, विश्वारा, अपाला, भूषा, और उनके बाद मंत्रों का निर्माण करने के बाद वे शादी करके चली गई। द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर वाज वेरी प्रेवलेंट। आप इस एज में आप देखोगे इस वेरी पीरियड में स्वयंवर का भी काफ़ी बड़ी प्रथा थी। यहाँ पर स्वयंवर रचाया जाता था, लड़की अपने मन के अनुसार अपने पति को चुनती थी। दे वो ड्रेसेस मेड अप ऑफ अ कॉटन वूल डियर स्किन, वो कई सारे वस्त्र को पहनती थी, पहनते थे लोग वहाँ पर, कॉटन से बने, वूल के बने, ऊनी कपड़े या हिरण के जो स्किन है उसका, उसको भी एक गारमेंट की तरह यूज़ किया जाता था। अंडर गारमेंट को बोला जाता था नेवी, और गारमेंट को बोला जाता था वाशा या परिधान, और मेटल को बोला जाता था अधिवाशा। सोने चांदी पहनने का भी काफ़ी अच्छा रिवाज था। ऑर्नामेंट समटाइम्स स्टडेड विद द प्रीसेस स्टोन, बहुत महंगे स्टोन से बने हुए आभूषण वे पहनते थे। खाने की बात करें तो आर्यन जो है वेजिटेबल्स और एनिमल्स फूड दोनों खाते थे, यानी मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। राइस, बार्ले, बीन, सीसम, ये सब के फूड भी खाते थे। एम्यूजमेंट के लिए यानी एंटरटेनमेंट के लिए उनके पास काफ़ी ऑप्शंस था, यानी डांस में ज़्यादा इंटरेस्टेड लेते थे, गैम्बलिंग में, वॉर में, चैरियट रेसिंग में, हंटिंग में, यानी घोड़ा दौड़ हो गया, चैरियट दौड़ हो गया, बॉक्सिंग में, डांसिंग में, म्यूजिक में। इवन वुमेन्स आर ऑल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑल दोज एम्यूजमेंट एक्टिविटीज। मॉरलिटी की बात करें तो मॉरलिटी ऑफ वुमेन वर वेरी हाई स्टैंडर्ड, यहाँ पर वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था, बट द स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी ऑफ मैन वॉज नॉट वेरी प्रेजवर्थी। यहाँ महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा मॉरल सपोर्ट दिया जाता था, महिलाएं को एक देवी के रूप में माना जाता था। पॉलीगेमी पुरुष को अलाउ था, पॉलीगेमी मतलब हो गया कि एक पुरुष जो है एक से ज़्यादा विवाह करने का उनका उनको हक था, उनका पूरा अधिकार था। एंड दे वर प्रैक्टिस बाय द मोस्टली बाय द मैन, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा कोई अलाउ नहीं था। ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन वॉज शोन टू द गेस्ट, और जितने भी मेहमान होते थे सबको जो है बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता था। एजुकेशन की बात करें तो ऋग्वेद में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, गुरुकुल बने थे वहाँ, जहाँ पर जो है गुरुजी जो है अपने डिसाइपल्स को, अपने चेलों को नई नई विद्या सिखाते थे। वैदिक एजुकेशन आप देख सकते हैं पिक्चर्स में भी कि वैदिक एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था। वैदिक एजुकेशन एट द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, किस तरीके से मस्तिष्क और बॉडी को डेवलप किया जा सके वैदिक एजुकेशन के थ्रू। डिसाइपल्स आर टॉट एथिक्स एंड आर्ट ऑफ वॉरफेयर, जितने भी चेले थे, जितने भी सीखने वाले थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, सबको यही चीज़ सिखाया जाता था कि किस तरह की आपकी लिविंग का तरीका होता है, जीने का तरीका क्या है। एथिक्स के बारे में बताया जाता था, नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है। मेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म एंड फिलोसफी वाज आल्सो बीन टॉट। बेसिक साइंस और लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हैंडीक्राफ्ट, सब के बारे में, क्राफ्ट के बारे में बताया जाता था, साइंस के बारे में बताया जाता था, यानी सब कुछ जो है एजुकेशन में किसी भी लिहाज से पीछे नहीं था। कास्ट सिस्टम की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में कोई ऐसा कास्ट सिस्टम नहीं था। देयर वाज एनी हार्डली एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटर मैरिज, चेंज इन ऑक्यूपेशन वाज आल्सो वेरी कॉमन। देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ टेकिंग फूड कुक बाय द शूद्रास, है ना, शूद्रास के द्वारा जो निम्न नीचे तबके के लोग थे उनके द्वारा जो खाना परोसा जाता था, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि उसको खा सकते थे, नहीं उसे बेफिक्र होकर खा सकते थे। बात करें पॉलिटिकल सिस्टम की तो इनमें जो कुछ उससे डिवाइड किए गए हैं यूनिट और हेड में, पहला है कुल द फैमिली, उनके हेड होते हैं कुलपा, फिर है ग्राम, उसको विलेज बोला जाता है, उनका हेड होता है ग्रामिणी। विस द क्लस्टर या फिर क्लैन, ग्रुप ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, उसको बोलते हैं हेड विश्वपति। जन यानी पीपल, उसके हेड होते हैं गोपा या गोपती। राष्ट्र यानी कंट्री मेन, उनके हेड होते हैं राजन। तो राजन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और एक राजा होता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है, एक स्पिरिचुअल लीडर माना जाता है उसे, जो लोगों के अनुसार ही जो है उनके लिए कार्य करता है। पुरोहित किनको बोला जाता है, जो राजा का सहयोग करते हैं, यानी मेन आपके पंडित, वो फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर्स में आते हैं। राजन जो है जो लोग जो कहते हैं उनके अनुसार ही वो कार्य करते हैं। सभा एक स्मॉल कमेटी को बोला जाता है, ठीक है, जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है काम करती है। समिति, कॉमन एज, काउंसिल, विधात, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं ऑफिशियल्स को ऋग्वेद टाइम में जो क्या क्या बोला जाता था, किंग को राजन बोला जाता था, प्रिंस को पुरोहित, कमांडर को सेनानी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पेट्रोल लैंड को वर्ज्यपति, पुलिस ऑफिसर्स को जीवाग्रीभ, स्पाई को स्पाशा, हेड ऑफ द विलेज को ग्रामीणी, हेड ऑफ द फैमिली को कुलपा, मेडिएटर इन डिस्प्यूट्स उसको बोला जाता था मध्यास्मी, टैक्स कलेक्टर को बोला जाता था भागुड़ दुगा, ट्रेजर को बोला जाता था संग्रहित्रिक, चीफ क्वीन को बोला जाता था महिषी, चैरिएटर को बोला जाता था सुत, मैसेंजर को पालागला, अकाउंटेंट को अश्वगापा। चलिए बात कर लेते हैं रिलीजियस सिस्टम की। वैदिक काल में
जिस ऋग्वैदिक काल में आप देख सकते हैं उनके रिलीजियस सिस्टम भी काफी अनोखे थे। द रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यस वर वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल लाइफ, बहुत ही गांव का माहौल रहता था, गुरुकुल होते थे, शिक्षा ग्रहण करने लोग जाते थे। दे वर्शिप गॉड्स ऑफ नेचर लाइक सन मून स्काई डॉन थंडर विंड एयर, है ना, जितने भी प्रकृति से संबंधित जो भी भगवान थे उन सबको बहुत मानते थे, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, आसमान हो, है ना, सूर्योदय को काफी ज्यादा वो मानते थे, सूर्य डूबने को, सूर्य ये सब चीजें, इंद्र को जो है थंडर के देवता माने जाते थे, है ना, आकाश में जो वर्षा होती वर्षा के देवता, विंड हवा पानी ये सारी चीजों को काफी बहुत ज्यादा वो वर्शिप करते थे। ऋग्वेद में जो है 33 गॉड्स का मेंशन हुआ है, 33 गॉड्स वर मेंशन इन द ऋग्वेद एंड वर वर्शिप बाय द आर्यंस, आर्यंस उन्हीं का वर्शिप करते थे, 33 जो है देवताओं का इसमें वर्णन है। और वैदिक हाइम्स वर कंपोज इन द प्रेज ऑफ नेचर, और जितने भी वैदिक मंत्र बने हैं, जितने भी वैदिक में लिखे गए हैं वेद में, वे सारे जो हैं प्रकृति के बारे में उसके उनकी तारीफ में लिखे गए हैं। द टेरेस्ट्रियल गॉड्स सच एज पृथ्वी अग्नि बृहस्पति सोम, ये सब टेरेस्ट्रियल गॉड कहलाते हैं। एटमोस्फियर गॉड्स वर सच एज इंद्र रुद्र मारुत वायु एंड प्रजन्य, ये सब जो है एटमोस्फेरिक गॉड है। सेलेस्टियल गॉड्स में दायोस यानी स्काई, वरुण यानी गॉड ऑफ हेवन, उषा यानी डॉन, अश्विन यानी ग्लोबिक ट्वाइलाइट मॉर्निंग स्टार, सूर्य यानी सूर्य, मित्र, सावित्री, विष्णु, ऑल आर एसोसिएटेड विद द मोस्ट ग्लोरियस फिनोमेना ऑफ द नेचर, ये सारे जो ईश्वर हैं कहीं ना कहीं प्रकृति में इनका काफी महत्वपूर्ण स्थान है। और लोग वैदिक एज पीपल जो हुआ काफी ज्यादा इन्हें मानते थे, उनका अनुसरण करते थे, उनका आह्वान करते थे, कोई पूजा पाठ इनके बगैर पूरा नहीं होता था। वरुण देव को जो है भगवान जो है सच का भगवान माना जाता था, जो सच का शांति देते थे, मॉरल सिखाते थे, नैतिकता सिखाते थे। पृथ्वी को गॉड ऑफ ग्रेन मतलब अनाज के देव माने जाते थे। अग्नि को इंद्र के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण देव थे आर्यंस के भी थे अग्नि, ये एक्टेड एज अ कोऑर्डिनेटर अमंग ऑल द डिटीज, और सभी भगवान में ये सामंजस्य बिठा के चलते थे। जब इस काल में युद्ध हुआ है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के गविष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, युद्ध में के लिए गविष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। दशाग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में काफी अच्छे से बताया गया है, मंडल बताया गया है सातवें मंडल में। और यहाँ यह युद्ध जो है रावी नदी के तट पर सूरदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सूरदास जी जीत गए थे। इस काल में संपत्ति की इकाई गाय को माना जाता था, गाय भी एक मोड ऑफ वर्शिप में भी माना जाता था। आर्यंस जो है गाय को भी काफी एक देवी के रूप में मानते थे। आर्यंस जो है मंत्र का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते थे, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में मंत्रों के माध्यम से ईश्वर का आह्वान किया जाता था। ईश्वर को मनाने के लिए पूजा पाठ में भी घी का, अनाज का, वाइन का, फ्रूट्स का, ये सबका उपयोग करते थे, है ना। एनिमल्स लाइक बफेलो, हॉर्सेस, इवन काउस वर समटाइम्स सैक्रिफाइस, तो इन सबका बलि भी दिया जाता था, बलि की प्रथा भी थी। इवन आर्यंस सभी टू पार्ट इन ऑफरिंग प्रेयर्स एंड परफॉर्मिंग फायर सैक्रिफाइस, ठीक है, आग में आहुति देने का भी पूरा रिवाज था, यज्ञ का भी होता था वहाँ पर, ठीक है। पर ऐसा कोई मंदिर नहीं था, सब अनुष्ठान जो होते बाहरी होते थे। सोल डिपार्टेड टू द पितृलोक वाज रिसीव्ड बाय यम, रिवॉर्डेड टू द पनिश्ड अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स, और ये भी बताया गया कि हर एक आत्माओं को मरने के बाद जो है आत्माओं को जो है यमलोक जाना पड़ता था, और उन्हें अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जो है उन्हें सजा मिलती थी या फिर उन्हें रिवॉर्ड मिलता था। बात करते हैं उनके इकोनॉमिक लाइफ की, यानी उनकी जो है बिजनेस या व्यापार कैसा चलता था। इकोनॉमिक लाइफ बोला जाए तो यहाँ पर वो विलेज पूरी कम्युनिटी थी, वहाँ पर ऋग्वेद पीपल जो है गांव में रहते थे, तो गांव में अधिकतर जो है खेती किसानी ज़्यादातर इस पर ध्यान देते थे। हाउसें जो घर थे वो मिट्टी के बने होते थे, या फिर मिट्टी के अलावा लकड़ी के और बांस के बने होते थे, है ना। और जो फ्लोर बना होता था, जो जमीन बनी होती थी, वो क्ले फ्लोर से बनी हुई होती थी, है ना। और यहाँ पर जितने हैं सब जो है घर के बाहर या घर के अंदर जो है पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करते थे। एग्रीकल्चर उनका मेन व्यवसाय था, एग्रीकल्चर में वो उनका जो है गाय बैल ये सबको जो है खेत जोतने के लिए ले जाया जाता था, खेतों में ले जाया जाता था। तो जितनी फसलें बोई जाती थी, सबसे पहले जो लैंड को फर्टाइल करने का काम, लैंड को प्लॉइंग के लायक बनाने का काम बीज बोने के लिहाज से एग्रीकल्चर में जानवरों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। तो बैलों का उपयोग किया जाता था, पेयर ऑफ ऑक्सन्स, और डोमेस्टिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस समय। डोमेस्टिकेशन घरों में जानवरों को बांधा जाता था, रखा जाता था, और ये भी कहा जाता था जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जानवर होंगे वे काफ़ी धनी व्यक्ति होता था, तो ऐसा मानना था। कैटल ब्रीडिंग वर अनदर पीस ऑफ लिविंग, है ना, और वो कैटल्स ब्रीडिंग करते थे, इससे वो नए नए चीज़ों को निर्माण करते थे। काउज वर हेल्ड द ग्रेट रिस्पेक्ट, काउज वर सिंबल ऑफ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी ऑफ आर्यंस, है ना, जिनके यहाँ गाय होती थी उनको काफ़ी ज़्यादा वो माना जाता था, ठीक है। कुछ और एनिमल्स है जिनको डोमेस्टिकेट किया जाता था, जैसे हॉर्स हो गया, ऑक्स हो गया, डॉग, गोट, शीप, बफेलो, डोंकी, ये सबको डोमेस्टिकेट किया जाता है। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया गया था। आर्य 3 तरह के कपड़े का इस्तेमाल करते थे, वास, अधिवास, उषेणिया और निधि। संगीत, रथ दौड़ और घुड़सवारी उनके मनोरंजन के एक साधन थे। उनका मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था।
गाय की हत्या करने वाले को मृत्यु दंड या देश निकाला की सजा होती थी। दोस्तों अब बात कर लेते लेटर वैदिक पीरियड की, यानी उत्तर वैदिक काल की, जो 1000 BC से 500 और 600 BC के बीच हुआ था। इसमें वेदों का निर्माण हुआ, वेद बने, संहिता बने, संहिता के बाद जो है अलग अलग महाकाव्य बने, उपवेदा बने, है ना, स्मृति, और ये सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। इस काल में प्रजापति प्रिय देवता बन गए थे। इसमें वर्ण व्यवसाय जन्म के आधार पर निर्धारित होते थे। इसमें हल का सिरा और हल रेखा को सीता कहते थे। इसमें बाकी वेदों का निर्माण हुआ, जैसे यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सभी वेद जो है संहिता के अंदर बनाए गए थे, ये लिखे गए थे। सारे वेद में अलग अलग जो है उनका डिस्क्रिप्शन है। संहिता जो है एक सीरीज ऑफ टेक्स्ट जो लिखा गया है, और उसे बोला जाता है ब्रह्मानस नाम दिया गया है, जिसमें सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में बताया गया कि किस तरीके से जो है समाज में रहकर पूजा पाठ या धर्म को अपनाया जाए और धर्म की पूजा की जाए। उत्तर वैदिक काल में कुछ चीज़ें की एक्सकेवेशन भी हुआ मैग्नेटिक बेसिन से, जो उसको बोला जाता है PGW यानी पेंटेड ग्रेव वेयर। आप देख सकते हैं इस वीडियो में दिखाया गया है, जो ये पाया गया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। ये कुछ ऐसे बर्तन हैं जिसमें अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये पॉटरी है, ये मिट्टी या फिर क्ले से बने हुए बर्तन हैं जिसमें अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं। इस एज में आयरन का भी काफ़ी अच्छा यूज़ होने लगा। आयरन वॉज यूज टू मेक वेपन्स सच एज एरो हेड, स्पीयर हेड, आयरन का जो धनुष बाण बनाने में यूज़ किया जाने लगा। यहाँ पर एक टाइम यूज़ हुआ है श्यामा और कृष्णा, इसमें आयरन के लिए यूज़ किया जाने लगा। इसमें एग्रीकल्चर प्रिमिटिव था, तो प्रिवलेंस था राइस और वीट जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खेती के लिए उपयोग किया जाने लगा। राइस और वीट का खेती जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगी। मेटल्स जो है यहाँ पर आपके पहले से ब्रोंज कॉपर तो यूज़ होते थे, साथ साथ यहाँ पर आयरन ये मेटल यूज़ होने लगे, और इससे जो है पिघला कर जो है अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, है ना। उससे कारपेंटर अपना काम करते थे, कारपेंटर का भी यहाँ पर एक्जिस्टेंस था, सोनार का अपना एक्जिस्टेंस था। तो ये धीरे धीरे सब धीरे धीरे व्यवसाय का शुरू होता गया। तो अलग अलग से पॉटरी का बिजनेस का काम भी क्राफ्ट के रूप में चलता था, जैसे चार टाइप का पॉटरी थे उनके, ब्लैक रेड वेयर, ब्लैक स्ट्रिप्ड वेयर, पेंटेड वेयर एंड रेड वेयर। चलिए बात करते हैं वैदिक लिटरेचर की। वैदिक लिटरेचर क्या है? वैदिक लिटरेचर एक ऐसा साहित्य है, एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। इसे देवताओं की वाणी माना गया है। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि देवनागरी। जब जीवन वैदिक नियमों के आधार पर चलता है, इसलिए इसे वैदिक काल भी कहा जाता है। वेदों में, वैदिक लिटरेचर में चार मुख्य लिटरेरी प्रोडक्शन है। उसको बोला जाता है संहिता, दूसरा है ब्रह्मणास, तीसरा है अरण्यकास, और चौथा है उपनिषद। ये चार मेन पोर्शन है वैदिक लिटरेचर के, और इस वैदिक लिटरेचर को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग कौन से हैं, दो लिटरेचर कौन से हैं? एक है श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति लिटरेचर जो है बेसिकली, इसमें ये बताया गया है श्रुति में, श्रुति का अर्थ होता है सुनना और स्मृति का अर्थ होता है याद रखना। तो जो चीज़ हम सुनकर याद रख सकते हैं वही तो वेद होता है। तो आर्यंस का भी यही मानना था। श्रुति लिटरेचर में बताया गया उसमें संहिता, मंत्रास, ब्राह्मण, अरण्यकास, उपनिषद के बारे में बताया गया है। स्मृति लिटरेचर में सूत्र, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, मनुस्मृति, पुराण, सबके बारे में बताया गया है। चलिए अब जानते हैं ऋग्वेद का चार वेद जो श्रुति के अंदर आते हैं, जिसे देवों द्वारा कहा गया है। ये डायरेक्ट देववाणी है जो वेदों में अलग अलग डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लिखी गई है। वेदों में सर्वप्रथम आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद का निर्माण हुआ यह काव्य रूप में है, और ऋग्वेद को मंडल में बांटा गया है। इसके 10 मंडल हैं और 1028 जो है सूक्तियाँ हैं या फिर मंत्र हैं। इसमें ऋग्वेद को जो है नॉलेज या ज्ञान का भंडार माना गया है। इसमें मंत्रों का काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन बताया गया है। इस वेद के 5 शाखाएं हैं। उपास शाखाएं कौन कौन सी हैं? शाकल्प, वास्कल, आश्रलायन, शाखालायन, मंडुकायन, ये 5 शाखाएं हैं। इसकी रचना 1500 से 1000 ईस्वी के बीच हुई थी। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में देवताओं का जिक्र मिलता है, और इसमें बताया गया औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है। ऋग्वेद में चवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी हमें देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, शैल चिकित्सा, मानस चिकित्सा, हवन द्वारा चिकित्सा आदि का भी जानकारी हमें इसमें वेद में मिलता है। बात करें कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, और उस 10 मंडल को वर्णों के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में सबसे नीचे में होते हैं शूद्र। शूद्र जो होते हैं वो बेसिकली लोअर क्लास पीपल होते हैं, लाइक सर्वेंट, लेबर, मजदूर जो होते हैं वो सारे शूद्रास में आते हैं। तो उसके बाद आते हैं वैश्य, वैश्य यानी व्यापारी, मर्चेंट, क्राफ्ट पीपल जो आर्टिस्ट होते हैं वो सब आ जाते हैं। क्षत्रिय में वॉरियर्स आ जाते हैं जो योद्धा होते हैं, और उसके सबसे ऊपर स्थान होता है ब्राह्मण का यानी प्रिस्ट का, जो पुजारी होते हैं। बात करते हैं यजुर्वेद की। यह वेद गद्यमय माना गया है, और यह यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है। यह वेद मुख्यतः क्षत्रियों के लिए होता है। यह यजुर्वेद जो है इसमें 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद।
कृष्ण यजुर्वेद जो है कृष्ण भगवान कृष्ण से संबंधित है, उसकी चार शाखाएं हैं, और शुक्ल यजुर्वेद जो है ये वाक्यल ऋषि से संबंधित है, जो शुक्ल से संबंधित है, इसकी दो शाखाएं हैं। कहा जाता है यजुर्वेद के एक मंत्र में वृह धान्यों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वेद और कृषि विज्ञान का भी विषय इसमें मौजूद है। बात करते हैं सामवेद की। सामवेद को यानी गीतों के रूप में भी देखा जाता है। ये चारों वेदों में सामवेद का नाम तीसरे स्थान पर आता है। विद्वान वेदों को स्वतंत्र मानते हैं। सामवेद उनमें से जो है गाए गए छंदों की अधिकता ज्यादा होती है। इसमें गाकर ही इसका वर्णन किया जाता है, जिनका उपयोग गायन यज्ञों के समय होता है। 1824 मंत्रों का इसमें समावेश है। 75 मंत्र को छोड़कर शेष मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें संहिता के आधार पर भगवान इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं के बारे में का जिक्र भी मिलता है। यज्ञ में गाने के लिए यह संगीतमय मंत्र है। यह वेद गंधर्व से मिले होते हैं और इसमें गंधर्व का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसमें तीन शाखाएं होती है और 75 जो है रचनाएं हैं। बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद मतलब हो गया इसमें जादू, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञ के लिए मंत्र होते हैं। और यह वेद मुख्यतः रूप से व्यापारियों के लिए होता है। इसमें 20 कांड होते हैं। इसमें इसके 8 कांड में बाकी वेद का जिक्र होता है, जादू का जिक्र होता है। ये सब का जिक्र जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। बात करते हैं ब्राह्मण्स की। ब्राह्मण्स को जो है वेदों का जो है उपासक माना जाता है। ब्राह्मण के वाणी से ही वेदों का जो है उसका उच्चारण किया जाता है और वही जो है प्योर माना जाता है। और जिन किताबों में वेदों का उल्लेख है उसे संहिता बोला जाता है। संहिता यानी टेक्स्ट फॉर्म में जो लिखा गया है और उसमें किस तरीके से जो है पूजा पाठ अनुष्ठान किया जाता है, सारी चीज़ों का बखान है। ब्राह्मण जो है ऐसी बुक है, एक ऐसा किताब है जिसमें पुजारियों के बारे में उनको समझने के लिए हम इन ब्राह्मणास का यूज़ कर सकते हैं। इन किताबों में पुजारियों के बारे में, पंडितों के बारे में लिखा गया है ना। और संहिता का पर्पस क्या है, इन सभी वेद का पर्पस क्या है, वेदों संहिता का। और इसमें जो है मंत्र के जितने मंत्र हैं उसके मीनिंग को अच्छे से बताया गया है और उन मंत्रों का किस तरीके से उच्चारण किया जाए, उसे अपने जीवन में कैसे लाया जाए, उसको कैसे फॉलो किया जाए और क्या क्या चीज़ों के लिए मंत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए, उसके कौन से समय में किस समय में मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए, उनके सब के बारे में, महत्व के बारे में बताया गया है। बहुत सारे बलिदानों के बारे में, बहुत सारे रीति रिवाज के बारे में, किस तरीके से पूजा होना चाहिए, रिचुअल्स क्या क्या होने चाहिए, वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया ब्राह्मणास में। ब्राह्मणास में ब्राह्मणास बोला जाता है इसे। और ऋग्वेद में दो ब्राह्मणास हैं, एक है कौशिकी ब्राह्मणा और ब्राह्मणा और दूसरा है आचार्य ब्राह्मणा। सामवेद इसमें तीन ब्राह्मणास हैं, एक है तांडव महाब्राह्मणा, एक है सदा विंशा ब्राह्मणास और जामिनिया ब्राह्मणास, ये तीन ब्राह्मणियास हैं। यजुर्वेद में स्तप्त ब्राह्मणास और ततरिया ब्राह्मणास। स्तप्त ब्राह्मणास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ब्राह्मणास, विच मीन्स ब्राह्मण्स ऑफ 100 पाथ। अथर्वेद में भी आपको ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, यानी गोप्ता ब्राह्मणास। चलिए दोस्तों बात करते हैं आरण्य का। आरण्य का क्या है, आरण्य क्या, बेसिकली आरण्य मतलब होता है जंगल, है ना। और जो जंगलों के बारे में लिखा गया है टेक्स्ट जो कि लिखा गया है उसे बोला जाता है आरण्य क्या। आरण्य क्या जो है इसमें ब्राह्मण्स जो ब्राह्मणस के जो आखिरी कंक्लूडिंग पार्ट्स हैं, जो आखिरी आखिरी के शब्द हैं, वो सारी चीज़ें आरण्य क्या में लिखा गया है। इससे हम ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं कि ब्राह्मण्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है नेचर से संबंधित उपासना करते थे, नेचर को उपासना करते थे, तो उसमें जंगलों का भी जिक्र होता है। कुछ आरण्य क्या का हमें जिक्र जो है उपनिषद में मिलता है, हमें जिक्र मिलता है वो है बृहद आरण्य का। बृहद आरण्य का उपनिषद जो है उसमें हमें आरण्य का जिक्र मिलता है। इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ हर्मिट एंड संत हु लिव्ड इन जंगल्स। इसमें बताया गया है कि संत जो है जंगल में रहकर जो है वहाँ पर उपासना कैसे करते थे, ईश्वर की उपासना कैसे वो अपने जीवन यापन करते थे और दीक्षा दान ये सारी चीज़ें ज्ञान बांटते थे, है ना। इसके बारे में बताया गया है आरण्य। इसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जो लोग जंगल में रहकर वेदों का जो है उच्चारण करते थे, अपने शिष्यों को जो है वेदों का ज्ञान देते थे, उसके सेक्रीफाइस के बारे में बताते थे, जो पूरे मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता था। इट गिव्स स्ट्रेस ऑन द मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे किया जाए, अपने अपने अंदर के इंसान को कैसे जगाया जाए, ईश्वर को कैसे जगाया जाए, अपने एक इंसान अपने आप को किस तरीके से अपने स्ट्रेस को कैसे मेडिटेशन के द्वारा दूर कर सकता है ना। इट प्रोटेस्ट द सिस्टम ऑफ यजंस। अब बात कर लेते हैं उपनिषद की। उपनिषद जो है एक फिलोसफिकल टेक्स्ट बोल सकते हैं, दर्शन शास्त्र है, जिसमें जो है ज्ञान को एक
स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बताया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। इसमें जो है शिष्य अपने गुरु के चरणों के पास बैठकर ज्ञान अर्जित करता है। उपनिषद में जो है वेदों के अंत के बाद जो है उपनिषद की शुरुआत होती है। जहां पर वेद खत्म होते हैं वहां से उपनिषद की शुरुआत होती है। यहां पर 1108 उपनिषद जो है लिखे गए हैं, जिसमें से बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे पुराना सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। उपनिषद में ना केवल वेदों को उसके महत्व को बताया है, बल्कि नेचर की रियलिटी बताया गया है, ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, चारों स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस बताया गया है कि कैसे जो है एक इंसान एक ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से कॉन्शियसनेस होते हैं, चेतना अचेतना के बारे में बताया गया है ना। वर्ल्ड जितने भी संसार में जो 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 नियम हैं उन नियमों का क्या क्या पालन करना चाहिए, कैसे पालन करना उनके बारे में बताया गया है। नेचर ऑफ गॉड के बारे में बताया गया है, प्रकृति के नियमों के बारे में बताया गया है, क्या क्या बलिदान करने होते हैं उसके बारे में बताया गया, वो सारी चीज़ों को उपनिषद में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उपनिषद में अब देखा जाए वेदास में हर एक वेद में उपनिषद का एक अपना उपनिषद को जो है एक अपना उपनिषद वहाँ पर सेट ऑफ उपनिषद आपको मिल जाएगा। वहाँ पर वेदास में हर एक वेद में आपको उपनिषद के माध्यम से उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। उपनिषद क्या है? इट्स नथिंग बट अ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। इसको जो है हम फिलोसफी के माध्यम से दर्शन के माध्यम डायरेक्ट ईश्वर का दर्शन कब कर सकते हैं? जब उस चीज़ को इमेजिन कर पाए। तो इमेजिनेशन की दुनिया में हमें उपनिषद ही ले जाता है कि हम उस चीज़ को जो है कैसे समझ पाए, उस चीज़ को नॉलेज को किस तरीके रख पाए। तो उपनिषद के माध्यम से उसको समझाया जाता है। हर एक वेदा को भी हर एक वेद के जो भी पंक्तियाँ हैं उसे जो है उपनिषद के माध्यम से समझाया गया। सम ऑफ द उपनिषद आर वेरी एंशियंट, वैसे हम मोर रिसेंट। कुछ मुख्य उपनिषद हैं ईशाप्राशना, आचार्य, तैतारिया, चंदोगया, कथोपनिषद, ईशोपनिषद और प्री धारणक्य उपनिषद। ये कुछ मुख्य उपनिषद हैं जो लिखे गए हैं। बात कर लेते हैं स्मृति लिटरेचर की। स्मृति यानी हो गया जो चीज़ हम याद कर सकें। एक कंप्राइजेज ऑफ सिक्स लिटरेरी प्रोडक्शन, इसमें आपके वेदांगा साथ आ जाते हैं है ना, सूत्रास, स्मृति, धर्मशास्त्र और महाकाव्य, पुराण, उपवेदाश और शाद दर्शन। वेदांगास में जो आपके हैं जो सूत्र फॉर्म में होते हैं वो कुछ छः वेदांगास होते हैं। पहला आता है मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं चंदास, जो मैट्रिक्स जिसमें गणित का जो है हम आकलन करते हैं। दूसरा है फोनेटिक्स, फोनेटिक मतलब हो गया शिक्षा, जिसको हम अक्षर को देख कर पहचान कर उसके उच्चारण को सीखते हैं। तीसरा है रिचुअल्स, कल्प, रिचुअल्स यानी क्या क्या विधि विधान उसके बारे में। फिर है ग्रामर, व्याकरण, एटोमोलॉजी यानी निरुक्ता और एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष, ये सब के बारे में वेदांगा में बताया गया है। सूत्र लिटरेचर को पढ़े बिना, सूत्र के साहित्य को, हिंदी सूत्र साहित्य को पढ़े बिना हम वेद के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं हासिल कर सकते। तो सूत्रास को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सूत्रास वाज कंपोज मच लेटर देन द वेदास, वेद के कई सालों बाद कई समय बाद जो है सूत्रास का जो है लिखा गया। इट बिलोंग्स टू द लेटर उत्तर वैदिक काल में इसे लिखा गया था। इट कंसिस्ट ऑफ श्रुता सूत्र, बिजनेस विद द सेरेमनीज एंड गृह सूत्र, बिजनेस विद द डोमेस्टिक रूल्स, मतलब कैसे हम बाहर और घर पर रहें उसके बारे में, चीज़ों के बारे में बताया गया है ना। एक इंसान को दोनों चीज़ फॉलो करनी होती है, यानी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, तो वो कैसे होगा। अब बात करते हैं स्मृति धर्मशास्त्र की। धर्मशास्त्र एक ऐसी किताब है जिसमें सारे गाइडलाइंस लिखे गए हैं स्मृति लिटरेचर के। एक ऐसी लॉ बुक है जो नियम से बंधी हुई है, जिसमें बहुत सारे नियम लिखे गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लिखा गया है कि एक इंसान को किस तरीके से कब क्यों कहाँ कैसे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अपने जीवन में जो उसके जीवन को सार्थक बना सके। हाउ टू प्रैक्टिस ड्रामा बाय वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल्स इन वेरियस सोशल एंड रिलीजियस सिचुएशन है ना, कौन से समय में किस आयोजन में किस वाक्यों में किस समय में कौन सी चीज़ें कब जो है सदुपयोग करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है धर्मशास्त्र के बारे में। मतलब धर्म को की हानि ना होते हुए हम अपने धर्म को नुकसान ना पहुँचते हुए हम को कैसे कार्य करना है, कैसे रहना है ना। दिस इज अनरिटन टेक्स्ट, हम इसे बोल सकते हैं स्मृति में जो है ये सब चीज़ें अनरिटन टेक्स्ट है। ये जो है वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा यानी बोलकर बताया जाता है। स्मृति वर्ड सिस्टम ऑफ ओरल टीचिंग, इसे कोई आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको इसके कहीं टेक्स्ट लिखे नहीं है। ये जो है एक इंसान दूसरे इंसान को बताया, दूसरा ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, इस तरीके से ये कहा गया है। ये कई भी वाणी है ठीक है, तो इसे धर्मशास्त्र का नाम दिया जाता है। छह मुख्य स्मृति से मनुस्मृति है ना, याजन वालक की स्मृति, नारद स्मृति, परशारा स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्या स्मृति। अब बात करते हैं दर्शन की। दर्शन में छह मुख्य दर्शन आप जैसा देख सकते हैं, छह दर्शन के बारे में बताया गया है। पहला है वैशिका दर्शन जो कन्नड़ में है, कनाडा, इज अ साइंस ऑफ लॉजिक और फ्यूटिलिटी ऑफ माया ठीक है। इसमें
जो भी माया है, जो भी जादू है, जो उसके बारे में सब बताया गया, लॉजिक कि किस तरीके से होता है, कैसे एक इंसान गायब हो जाता है, कैसे वो अवतार लेता है, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। दूसरा है न्याय। न्याय दर्शन जो है ये गौतम द्वारा कहा गया है। लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड फेसेस ऑफ क्रिएशन, कैसे भगवान ने हमें बनाया, ईश्वर के बारे में बताया गया है और सभी ईश्वर के कैसे जो हैं उससे जुड़े हुए हैं। फिर है योगा जो पतंजलि ने बनाया है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड समाधि एंड रिन्यूएशन, तो कैसे मेडिटेशन किया जाए, मेडिटेशन के क्या क्या नियम हैं, कैसे समाधि में जो है लोग जो है इंसान पहुंच सकता है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है शाक्य दर्शन, ये कपिला ने लिखा है। टू एलिमिनेट द फिजिकल एंड मेंटल पेन एंड रिसीव लिबरेशन, इसमें इंसान अपने दिमाग में जितने भी स्ट्रेस है उसको निकाल कर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, अपने मेंटल पेन से वो मुक्ति पा सकता है और एक काफ़ी फ्री महसूस कर सकता है। इसके बाद है वेदांता। वेदांता जो है वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। इसमें चीज़ें बताई गई है कि डिवाइन ऑफ नेचर ऑफ सोल माया एंड क्रिएशन, हमारे जो मन में जो ईश्वर विद्यमान है ना, और जो नेचर है, एक सोल का नेचर है, एक बोला जाए एक आत्मा की प्रवृत्ति होती है, उसके बारे में सारी चीज़ें बताया गया। क्रिएशन कैसे हुआ, उस एक आत्मा जो एक शरीर को दूसरे छोड़कर दूसरे शरीर प्रवेश करती है, उसके बारे में पूरा बताया गया वेदांत में। फिर है मीमांसा। मीमांसा दर्शन में जो जैमिनी द्वारा लिखा गया है, दर्शन बेसिकली होता क्या है, दर्शन एक ऐसा विजन होता है, एक ऐसी दृष्टि होती है जिससे हम चीज़ों को परख सकते हैं, देख सकते हैं, उस चीज़ों को देख सकते हैं जो अर्जुन ने देखा था। हिंदू लिटरेचर में जितने भी दर्शन के बारे में बताया गया है उनका एक अपना एक इतिहास है और उसका अपना एक ट्रेडिशन है कि उसे किस तरीके से माना जाए, वही चीज़ है दर्शन। बात कर लेते हैं उपवेदा की। उपवेदा जो है वेदों से संबंधित है, ट्रेडिशनली जो है वेदास का एक रूप है उपवेदास। उपवेदास में चार चीज़ों के बारे में बताया गया है, चार ऐसे उपवेदा के बारे में बताया गया है। पहला है आयुर्वेद। आयुर्वेदा जो है मेडिसिन, इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरा है गंधर्वेद, ये म्यूजिक के लिए बोला जाता है और ये शाम वेद से संबंधित है। तीसरा है धनुर्वेद जो आर्चरी बोला जाता है, ये यजुर्वेद से संबंधित है। चौथा है शिल्पवेद जो साइंस ऑफ क्राफ्ट, ये जितने भी अलग अलग आर्टिस्ट हैं उसके बारे में बताएगा, ये अथर्ववेद से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं पुराण की। पुराण जो है 18 पुराण हैं हमारे हिंदू टेक्स्ट में। अग्नि, ब्रह्मा, भगवता, ब्रह्मदा, गरुड़ा, ब्रह्मा, विवारिता, लिंगा, पद्मा, कुर्मा, मत्स्य, नारद, मार्कंडे, शिवा, स्कंदा, वामन, वरहा, वायु और विष्णु, ये 18 पुराण हैं। जो हर एक पुराण अपने आप में वेदों का भी वखान करते हैं, वो वेदों का भी वखान करते हैं और सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसमें। उत्तर वैदिक काल में रिलीजन्स की बात करें तो यहाँ पर जो है धर्म को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया था, धर्म सबसे पहले आता था है ना, और ज़्यादातर लोग धर्मों में ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। ठीक है, प्रजापति रुद्र विष्णु केम इन टू लाइन लाइक, प्रजापति बिकेम द सुप्रीम, प्रजापति को सबसे ऊपर माना गया है। उशाना गॉड ऑफ शूद्रास, शूद्रास के जो भगवान थे वो थे उशाना। अब बात करते हैं एपिक की। एपिक यानी महाकाव्य। महाकाव्य में दो महाकाव्य लिखे गए हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण जो ऐसे महाकाव्य हैं जो सबसे लंबे और अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं। रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, वाल्मीकि गुरु द्वारा लिखा गया है 1st century AD में, और महाभारत वॉज रिटन बाय वेद व्यास इन 540 to 300 BC। महाभारत ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ सेकंड टेक्स्ट भगवदगीता, तो महाभारत का कुछ हिस्सा जो है भगवदगीता में के माध्यम से लिखा गया है। दोनों महाकाव्य जो हैं हिंदू के सबसे बड़े और सबसे पवित्र महाकाव्य माने जाते हैं। रामायण जो है एक ऐसी कहानी लिखी गई है, एक ऐसी कहानी है जो भगवान रामचंद्र के बारे में और सीता के बारे में और रावण से उनका युद्ध लंका उसके बारे में काफ़ी अच्छे से जिक्र है। वाल्मीकि ने इन्हें संस्कृत में लिखा गया था और रामायण हमें फिलॉसफी ऑफ लाइफ बताती है कि लाइफ की क्या फिलॉसफी, क्या उद्देश्य होना चाहिए, धर्म के रास्ते पर किस तरीके से चलना चाहिए। महाभारत, महाभारत जो है रामायण के काफ़ी बाद आया, काफ़ी बाद जो है लिखा गया और इट इज़ मच बिगर बुक और सबसे बड़े लेवल पर लिखा गया। जैसे पांडव कौरव के बारे में बताया गया। चलिए कंक्लूजन पार्ट में अब ये बात करते हैं। कंक्लूजन में अब ओवरऑल यही कंक्लूजन निकलता है कि इसमें जो जो चीज़ हमने पढ़ी है, जैसे दर्शन, जैसे साख्य दर्शन भारत का सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। इसके अनुसार इसके मूल तत्व जो है 25 है और पहला तत्व प्रकृति है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का हमने चिन्ह देखा है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र संहिता जो है ना, संहिता नामक देवता को संबोधित है जिसका संबंध ऋग्वेद से।
पहली बार कौशबी नदी नगर में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। महाकाव्य महाभारत रामायण महाकाव्य का पूरा नाम होता है जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सर्वप्रथम जागोला उपनिषद में चारों आश्रम के बारे में बताया गया है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और तथा संन्यास आश्रम, इसका उल्लेख हमें मिलता है। गोत्र नामक संस्था इसी वैदिक काल में बताई गई है। ऋग्वेद में धातु का सबसे पहला उपयोग जो है तांबे और कॉपर का जिक्र हुआ है, सोना चांदी पर लोहे का जिक्र नहीं है। अब कई बार ये सवाल भी आता है कि हम कैसे इन वेदों के बारे में वैदिक काल के बारे में जान पाए। बेसिकली उत्तर भारत में हरियाणा के पास भगवानपुरा में एक खुदाई हुई जिसमें 13 कमरों का मकान तथा पंजाब में 3 ऐसे स्थान मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से माना जाता है। ऋग्वेद में प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यूपी ये सब तक था और जब तक वैदिक काल चला तब तक आर्यों का जो है आर्यों द्वारा ही ये वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी और ये सभ्यता काफ़ी जो है रिलीजियस थी, रिचुअल्स में मानते थे, है ना, नेचर को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिलता था और महिलाओं को एजुकेशन में हर चीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेशन मिलता था। तो हर चीज़ों में जो है ये वैदिक काल जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था अपने आप में और इसमें कई चीज़ों का उल्लेख भी हुआ जो आज हम किताबों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, चाहे वो महाकाव्य हो, उपनिषद हो, है ना, वेदास हो, स्मृति है ना, और डिफरेंट श्रुति, सब के बारे में देखकर सुनकर कहकर उन चीज़ों का हम ज्ञान अर्जित कर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो इसी शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आपको दिया गया लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जो हैं दें ताकि हम आने वाले समय में इसमें कुछ और सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और रोज रवि।